ये मार्केटिंग ब्रांडिंग का जमाना मत पैदा करिए देश में। आप किसके पक्ष में हैं? आप बीजेपी की भाषा मत बोलिए। आप सवाल क्यों नहीं पूछती ये बात? उन्हीं अधिकारियों से चिलम निकलवानी है वहां से। देखिए कितनी ताली बज रही है। देखिए मुख्यमंत्री जी से अगर कुछ सीखेंगे तो हम बर्बादी हो जाएंगे। क्या ये तरीका है संगम स्थान लेने का? लेकिन ये गठबंधन महाकन्फ्यूज गठबंधन इसलिए दिख रहा है अखिलेश जी कि पहले लड़कों का साथ पसंद आ रहा था, नहीं आया, फिर वो लड़का आपसे दूर हो गया, अब बहन ने जिम्मा संभाला है, आप बुआ के पास चले गए हैं, बुआ पिताजी के लिए जो है अब रैलियां करने वाली है। इतना घपला, इतना कंफ्यूजन है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अखिलेश जी, जो समझ नहीं सकते हैं वो नहीं समझ सकते आप, जो समझ नहीं सकते हैं वो नहीं समझ सकते आप। ये जल्दी समझने वाली बात नहीं है। आप समझाइए, मेरे पास बहुत टाइम है, हमारे पास बहुत टाइम, आप समझाइए। मैं दिन भर भी बोलता रहूंगा तब भी नहीं समझा पाऊंगा। और इसलिए नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि आप नहीं समझना चाहते। अभी सुना मैंने कि गंगा साफ हो गई, आपने यकीन कर लिया क्योंकि कोई मुख्यमंत्री बोल रहा था। और मुख्यमंत्री अगर ये बात कहें कि गंगा साफ हो गई है तो सोचो हम यकीन किस पे करें। और आपने भी मान लिया, नहीं उन्होंने, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा तो आपने मान लिया कि गंगा साफ हो गई। नहीं उन्होंने, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा तो आपने मान लिया कि गंगा साफ हो गई। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि गंगा साफ है, नाव चल सकती है उस पर। तो क्या ये काम 2 साल में हो सकता है? आप किसके पक्ष में हैं? आप किसके पक्ष में हैं? आप मैं तो डेविल्स एडवोकेट हूं। क्यों उन्होंने कहा कि गंगा मैया ने हमें बुलाया है? क्यों बोला उन्होंने गंगा मैया ने बुलाया है? नहीं, मैं आपसे एक बहुत, क्या माँ से झूठ बोल सकते हैं? अखिलेश जी बताइए ना, 2 साल आप माँ से झूठ बोल देंगे? क्या 2 साल में ये काम हो सकता है? हाँ बेटा, लगता है तुम गुड़ खा के ही मानोगे। हमें दे दो, हम 2 साल नहीं 1.5 साल में ठीक कर देंगे। आपको 3 बार मौका दिया सर, हम 1.5 साल में ठीक कर देंगे। ये बीजेपी के लोगों ने जो नहीं कर पाया वो हम 1.5 साल के अंदर करा सकते हैं, क्योंकि हम समाजवादियों का मानना है कि इफ यू कैन डबल द स्पीड यू कैन ट्रिपल द इकोनॉमी, इफ यू कैन डबल द स्पीड यू कैन ट्रिपल द इकोनॉमी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। महागठबंधन तो तब होता ना जब कांग्रेस आपके साथ होती, प्रियंका गांधी, चलिए राहुल गांधी से गठबंधन। देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मार्केटिंग ब्रांडिंग का जमाना मत पैदा करिए देश में। ये मार्केटिंग ब्रांडिंग का जमाना मत पैदा करिए देश में। किसान तकलीफ में है, परेशानी में है, वो इंतजार कर रहा है कि वोट कब डालने का मौका मिलेगा। आप कहते थे नौजवानों को नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरियां कहां हैं ये बताओ हमें। ये लोग, आपको याद है अखिलेश जी जब नोटबंदी हुई थी तब आप दिल्ली में थे और चाय पर आपने मोदी जी से चर्चा की थी। उनकी चाय इतनी बकवास चाय है मैं तो नहीं पी सकता। उनकी चाय इतनी बकवास चाय है मैं तो नहीं पी सकता। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं लखनऊ में था, मैं वहाँ नहीं था नोटबंदी के दिन। मुझे मायावती का बयान याद है, तभी आपको बउआ कहा था उन्होंने। उन्होंने कहा ये, था ये सर, तभी ये छोड़ भूल जाइए इन बातों को। मुझे क्या कहते हैं, मैं क्या कहता हूँ, ये भूल जाइए। आप बीजेपी की भाषा मत बोलिए, आप बीजेपी की भाषा मत बोलिए। अरे बबुआ बोलने में क्या खराबी है? नहीं बिल्कुल नहीं। अरे हम बीजेपी के नेताओं को कुछ बोलने से तो कहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है अखिलेश जी। अब देखिए बीजेपी के लोगों ने, बुराई नहीं है। आपको सवाल गलत सवाल किया आपने। नहीं, नहीं। आपको सवाल ये करना चाहिए था कि बीजेपी के लोगों ने आपके घर को गंगा जल से क्यों धुलाया। आप सवाल क्यों नहीं पूछती ये बात? अच्छा मैं पूछती हूँ, बीजेपी ने गंगा और बीजेपी के लोगों ने क्यों मेरे घर में टोंटी निकलवाई? और मैंने भी तय किया है उन्हीं अधिकारियों से चिलम निकलवानी है वहां से, उन्हीं अधिकारियों से चिलम निकलवानी है वहां से। इसमें क्या फर्क पड़ता है? आप ये सवाल क्यों नहीं पूछते हमसे? अखिलेश जी जो अच्छा काम किया उसकी वाकई तारीफ होगी। इनफैक्ट हमने तो आप तारीफ करिए, 3 काम की तारीफ कर दीजिए। कोई तारीफ करने की जरूरत नहीं है, आप 3 काम अच्छे बता दीजिए हमारे जो हमारी सरकार में हुए हैं। नहीं बताएंगे आप, नहीं बताएंगे आप। अब्बा नहीं मानेंगे।
चौकीदार से याद आया, वो अमित शाह ने और मोदी जी ने अपने नाम के आगे ट्विटर अकाउंट पर चौकीदार प्रधानमंत्री मोदी और चौकीदार अमित शाह लिख दिया है। अब मैं अपने अकाउंट में क्या लिख सकता हूँ ये आप बताएंगे? अब क्योंकि पोस्ट खाली हो गई चाय वाले की, तो मैं लिख देता हूँ। और फिर सवाल ये नहीं है, ये देखिए मैं समझ गया बात को, तो अब जगह खाली हो गई ना, तो दूसरी जगह खाली हो गई वो हम लिख दे रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि आप शिष्टाचारी, आप शिष्टाचारी अखिलेश यादव लिख दीजिए। वो भी नहीं लिखूंगा मैं, जब चाय वाली जगह खाली है तो चाय वाला लिखूंगा मैं, और फिर इसलिए चाय वाला लिखूंगा, मैं खुद दूध वाला हूं। यही देश की सच्चाई है। देखिए कितनी ताली बज रही है। लाइन अच्छी है, लिख लो, काम आए। यही देश की सच्चाई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये जुड़ रहा था हमारा बलिया भी, लेकिन देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने बलिया को भी नहीं जोड़ा, बनारस को भी नहीं जोड़ा। कमाल के मुख्यमंत्री हैं। वो तो कह रहे हैं कि 15,000 करोड़ में आपने ठेका दिया था और हमने 11,000 करोड़ में दिया। देखिए मुख्यमंत्री जी से अगर कुछ सीखेंगे तो हम बर्बादी हो जाएंगे। देखिए मुख्यमंत्री जी से अगर कुछ सीखेंगे तो हम बर्बादी हो जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि अगर आपको बंदर भगाना है तो हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। हमें उनसे सीखना चाहिए कि क्या करें, संगम में स्नान कैसे लें। कभी देखा मुख्यमंत्री जी ने कैसे स्नान लिया था? क्या ये तरीका है संगम में स्नान लेने का? क्या ये तरीका है संगम में स्नान लेने का? हम क्या सीखे मुख्यमंत्री जी से? उन्होंने तो हनुमान जी की जात बता दी। अच्छा हुआ उन्होंने यादव नहीं बताया। अच्छा ये बताइए पिता पुत्र का रिश्ता कैसा है? पिता पुत्र का बहुत अच्छा रिश्ता है, जैसा हर पिता पुत्र का हर घर में वैसा हमारा है। तो वो बहुत डांट लगाते होंगे फिर तो आपको? हर पिता अपने पुत्र को डांटता है और हर पुत्र जब पिता बनता है वो अपने पुत्र को डांटता है। ये तो यही है परंपरा। और सोचिए कैसा शिष्टाचार है बीजेपी का। एक जनप्रतिनिधि ने दूसरे जनप्रतिनिधि को 21 जूतों की सलामी दी। एक जनप्रतिनिधि ने दूसरे जनप्रतिनिधि को 21 जूतों की सलामी दी। कैसा शिष्टाचार है बीजेपी का, पूरे देश ने देखा। वो लोग कहते हैं, हमसे कहते हैं कि आपने गलत बोला कि 21 जूते नहीं लगे। मैं कहता हूं अगर नहीं रोके होते तो 21 जूते ही सर पर पड़ते। मैं कहता हूं अगर नहीं रोके होते तो 21 जूते ही सर पर पड़ते। ये शिष्टाचार है। म्यूजिक बिग थैंक यू फॉर बींग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।